खबर शिवपुरी जिले के एसपी ऑफिस से आ रही है, जहां पर एक युवती अपनी फरियाद लेकर आई थी। युवती ने बताया कि उसकी बहन की शादी हुई थी, उसी दौरान बहन के जेठ से उसकी मुलाकात हुई। ये मुलाकात बातचीत में बदल गई। उस युवक ने मुझे शादी का लालच दिया और करीब एक साल तक जबरदस्ती दुष्कर्म किया। इस दौरान मैं गर्भवती हो गई और युवती के पेट में 9 माह का गर्भ है। वहीं बहन का जेठ मुझे गर्भ गिराने के लिए जान से मारने की धमकी दे रहा है। मामले को लेकर पुलिस ने भी शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। महिला ने बताया कि उसकी पहले शादी हो चुकी थी, लेकिन उसका तलाक हो गया। इसके बाद वो बहन के जेठ के संपर्क में आ गई। महिला ने मामले को लेकर कार्यवाही किए जाने की मांग की है। मेरे पेट में बच्चा आया, वो मुझे मारने की धमकी दे रहा है और मेरे पति से एक साल पहले तलाक हो चुकी है मेरी, और मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है, मारने की बहुत ज़्यादा धमकी दे रहा है। और दूसरे मेरी बहन की शादी में ये हुई थी 6 मार्च को, जब जान पहचान हुई थी मेरी। बहन के वो कौन लगते हैं? बहन के जेठ लगते हैं। शादी में आए थे? हाँ, शादी में आए थे। वो तरी से मतलब कि थोड़ा वैसा चक्कर मक्कर हो गया था, तो वो लोग ले गए थे मुझे वहाँ पे, रखा भी था 2-3 महीने, रुकी हूँ मैं वहाँ पे। और फिर वो यहाँ पे आ गई, तो यहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ, तो फिर उन लोगों ने मना कर दिया। तो आप यहाँ क्यों आई थी? मैं अपने मायके में ही रहती हूँ। हाँ, तो उन्हीं का ही बच्चा है आपके पेट में? हाँ, उन्हीं का बच्चा है। उसको मारने की धमकी दे रहा है? हाँ, उसको मारने की धमकी दे रहा है। मैं इसको मार दूंगा और तेरे को मार दूंगा, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। कहाँ रहता है? ये रहता है सरगुआ। आप क्यों बता रहे हैं कि पहली शादी हो चुकी है? हाँ, हमारी पहली शादी ये हुई है करेरा। पति का नाम क्या था पहले? पहले पति का नाम है सत्येंद्र ओझा। तो आपका तलाक वगैरह कैसे? मेरा तलाक वो थोड़े वैसे चक्करों में थे, इस चक्कर में हम उस तलाक हो गई मेरी, मतलब थोड़े उल्टे चक्कर में थे इस चक्कर में। हाँ, मुझे आवेदन लगाना है, मुझे कुछ कार्रवाई तो मेरी कार्रवाई नहीं हो रही। अभी 3 तारीख को आवेदन देके गई थी, मेरा पूरा टाइम चल रहा है, वो मेरा टाइम चल रहा है, मैं कैसे क्या करूँगी फिर? मेरे को मारने की धमकी आ रही है देर देर से। तो आपका पहला बच्चा कितने साल का है? मेरा पहला बच्चा 5 साल का है। हाँ, रहता है वो अपने पिता के साथ में।